आए गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। बचाओ! ढूंढो आपे। क्या खलनायक टू होगी मसाला एंटरटेनर फिल्म? क्या होगा मूवी का हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो मूवी को हिट बनाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ खलनायक टू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। खलनायक 1993 में आई थी, सुभाष घई ने इसे डायरेक्ट किया था। ये मूवी 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही थी। अब संजय दत्त और सुभाष घई इसके दूसरी पार्ट की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जब संजय दत्त जेल में थे, उन्होंने वहीं तय कर लिया था कि खलनायक 2 लेकर आना है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। जाहिर है ये खबर तो अब तक आपको पता चल ही गई होगी, नहीं चली तो आपको सोशल मीडिया से संन्यास ले लेना चाहिए। अब सीरियस मत हो जाना, मैंने देखा है ऐसा कोई पंच मार देने के बाद वीडियो का कमेंट सेक्शन हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो आपका चैनल कैसे चलेगा टाइप की बातों से ही भर जाता है। खैर, बात हो रही थी खलनायक की। जब मैं छोटी थी तब पहले मुझे इन सब टाइटल को सुनकर ऐसा लगता था कि कोई रियल में कोई गुंडा है जिसने किसी को किडनैप कर डाला और बहुत भयानक सा चेहरा सामने आता था। तब इस तरह की फिल्मों को असली मानती थी, बट जैसे जैसे बड़ी हुई तो समझ आया कि ये तो बस टीवी के खलनायक है। खैर, खलनायक का दूसरा पार्ट आ रहा है, बहुत से लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस मूवी को लेकर, जो कि ऑब्वियस ही बात भी है। तो आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते हैं और बताते हैं कि मूवी में क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दें कि अब मसाला एंटरटेनर फिल्मों की डिमांड है। जहां मसाला मूवी जैसे टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहां मूवी से पब्लिक की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें पिछले कुछ समय में मसाला मूवी के नाम पर बेहद ख़राब क्वालिटी का सिनेमा दिखाया गया है। जब रीजनल और हिंदी सिनेमा की तुलना होती है तो सारा फर्क क्वालिटी ऑफ मसाला मूवी पर ही आकर रुकता है। बाकी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा तो हिंदी में भी कमाल का बन रहा है, बस उसके दर्शक कम हैं, जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में खूब एंटरटेनिंग फिल्में बन रही हैं, पब्लिक पसंद भी कर रही है, इसलिए इस तरह की फिल्में और बनती ही जा रही हैं। जैसे KGF, बाहुबली या अल्लाह वेंकट पुरमुल्लू को ही ले लीजिए। हमने इन तीन फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इसमें हिंदी भाषी दर्शकों का भी एक बड़ा तबका वाकिफ है। इन फिल्मों में आपको वही सब देखने को मिलता है जो आप पहले कई बार देख चुके हैं, मगर उन्हीं कहानियों को थोड़ा ट्वीक कर दिया जाता है, प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर कर दी जाती है, अपीलिंग विजुअल से लेकर मासी बैकग्राउंड स्कोर सब ठीक मात्रा में डाला जाता है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, गाने वाने डालकर मस्त सी मूवी बना दी जाती है, दर्शक देखकर लहलोट हो जाते हैं, एक्टर स्टार्स बन जाते हैं, डायरेक्टर का करियर सेट हो जाता है, प्रोड्यूसर पैसे कमाकर लाल हो जाता है, उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके वो और ऐसी फिल्में बनाता है। इस तरह की फिल्मों की बुनियाद शर्त ये है कि वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए और उनके थ्रू कोई प्रॉब्लमैटिक मैसेज पब्लिक तक ना पहुँचाया जाए। और खलनायक 2 के सीक्वल में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है और मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि खलनायक ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये सच है। खैर, आगे बात करते हैं और बताते हैं कि मूवी के हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या होंगे। खलनायक के विजुअल और उसकी फील मूवी के बड़े हाइलाइटिंग पॉइंट होने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो अभी इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि एग्जैक्टली मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बागडोर किसके हाथों में होगी, लेकिन जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाएगा उनको विजुअल्स का पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि घई साहब इस बार कुछ अलग और कुछ हटके करने वाले। खलनायक के पहले पार्ट की बात करें तो मूवी इंडस्ट्री में शोमैन के नाम से फेमस निर्माता निर्देशक सुभाष घई की मूवी खलनायक को रिलीज हुए 29 साल पूरे हो गए हैं। इस मूवी के कास्ट से लेकर गाना डांस सब विवादों में रहा, लेकिन मूवी जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिली थी। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर, नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में थी। ये मूवी माधुरी के डगमगाते करियर को ऊपर उठाने में भी काफ़ी मददगार साबित रही थी।
वेल दर्शकों, आपको क्या लगता है कैसा होने वाला है खलनायक का सीक्वल? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।